क्या आप अपने दुश्मन से बदला लेना चाहते हैं? क्या आप किसी पर काला जादू करना चाहते हैं? क्या आप किसी को अच्छा सबक सिखाना चाहते हैं? क्या आप काला जादू करने का बहुत शक्तिशाली और आसान उपाय करना चाहते हैं? दोस्तों, आपका स्वागत है वशीकरण स्पेशलिस्ट यूट्यूब चैनल में। इस चैनल में हम आपको दिखाते हैं टोने टोट के चमत्कारी समाधान, ज्योतिष ज्ञान, वास्तु शास्त्र, धार्मिक ज्ञान, व्रत पूजन विधि और बहुत सारी स्पेशल जानकारी। सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लिक कीजिए बेल आइकन पर, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इस पत्ते को जलाएं और देखें कि सामने वाला काले जादू से कैसे परेशान हो जाएगा। आइए जानते हैं कि कैसे एक पत्ते को जलाकर किसी भी इंसान के ऊपर काला जादू कर सकते हैं और कैसे किसी दुश्मन से बदला ले सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए पीपल का एक सूखा पत्ता, थोड़ा सा सिंदूर, साधारण जल, सफेद मोमबत्ती और थोड़ा सा कपूर। सिंदूर में 2 बूंदे जल मिला लें और उसको अपने दाएं हाथ की उंगली में लगाकर पत्ते के ऊपर अपने दुश्मन का नाम लिखें। पत्ते के ऊपर कपूर रखें और पत्ते के पास में सफेद मोमबत्ती जला लें। अब इस मंत्र का जाप 186 बार करें। ये मंत्र है ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फल सार भक्षितम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पादपम कजम। फिर मोमबत्ती के साथ पत्ते के ऊपर पड़े कपूर को जला दें। जब दोनों जल जाएं तो राख को इकट्ठा कर लें और राख को चौराहे में जाकर दबा दें। इस उपाय को करने से पहले दोस्तों याद रखें कि उपाय को शनिवार को सूर्यास्त के बाद ही करें। राख को उपाय करने के तुरंत बाद ही चौराहे पर दबाकर आ जाएं। इसे अपने पास ना रखें। एक ही इंसान पर ये उपाय 2 बार ना करें। उपाय करने वाले दिन मांस मदिरा का सेवन ना करें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस उपाय को करें और हमें बताएं कि आपको इसका लाभ मिला या नहीं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए वशीकरण स्पेशलिस्ट यूट्यूब चैनल को। हमारे चैनल को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। क्लिक कीजिए बेल आइकन पर, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे।